তার বিয়া হতা कोई बात नहीं भाई, तुम रो मत। बाहर में तुम्हारा बस बिल्डिंग मारते मारते हालत खराब है, बहुत लोगों का तो कुछ और ही मारते मारते हालत खराब है। बेटे बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। उनको जब लड़कियां छोड़ दे रही हैं तो उसके बाद दारू मारते मारते उनका हालत खराब है, और जो आप समझ रहे हो वो भी बड़े हरामी हो बेटा। वाह रे पतोहिया, क्या बात बोली है तू, ऐसा इनके ससुर जी कह रहे होंगे। भोजपुरी में अश्लीलता फैलाने में जितना योगदान सिंगरों का है, उससे कहीं ज्यादा योगदान इस सुंदर रूपी अश्लील कन्याओं का है। भाग यहाँ से भोसड़ी की। मतलब कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए ये क्या कुछ नहीं कर रही हैं। जादो जी कैसे क्या करते हैं वो ये बताएंगी। क्यों जादो जी के मड़िया में गई थी क्या कभी, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। राजा जी के अपना हम रानी हो गई। अच्छा, हम कहे कि आप अपने पड़ोसी की रानी हो गई। क्योंकि हम आपका फोटो आपके राजा जी के साथ देखे थे, आपके आगे वो बहुत बच्चा लग रहे थे, तो हमको लगा कि आपने चेंज कर दिया होगा अपने पड़ोसी से। अरे सब अपने राजा जी की ही रानी होती है, पूरे गांव की नहीं होती है। अगर ऐसे होता तो हम भी कई रानियों के राजा होते आज, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो रहा। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। अब तो पूरा बाढ़ आ गया होगा, दो चार गांव तो बह ही गए होंगे। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही शर्म होती तो सोशल मीडिया पे आके अपने अंगों का प्रदर्शन नहीं करती, और ना ही हमको तुमको कुछ कहने की जरूरत पड़ती। अगर जवानी में नादानी हो गई होती और बबुआ पेट में पल रहा होता तो ऐसे इंस्टाग्राम पे आके ठुमका नहीं मारती, मेडिकल मेडिकल घूम रही होती, कहा करें कैसे क्या होगा। ना विश्वास हो तो एक बार करके देख लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे क्या क्या दिखा रही है, तो कुछ शर्म आया है सला। सब देख देख के हमारी आंखें भी अश्लील हो गई है, ना चाहते हुए भी नजर बार बार वहीं पे जा रहा है जहाँ। अरे दिखाना है तो दिखा, लेकिन दुकान का शटर तो डाउन कर ले, दुकान की चीज दिखते दिखते बची है, थोड़ा सा बस रह गया था। साला इंस्टाग्राम एक जीने का सहारा है, वो भी देख रहे हैं असली औरतें बंद कराएंगी। अरे क्या क्या दिखाओगी तुम लोग। दिखाना वही चाहिए जो लोग देखना चाहते हैं। अरे लोग तो बहुत कुछ देखना चाहते हैं, तू दिखाएगी, और नहीं तो लोग तो तुमसे अकेले में हवेली पे मिलना चाहते हैं, मिलेगी उनसे उनकी हवेली पे। जनता माफ नहीं करेगी इसका, और सोफिया अंसारी का कुछ नहीं हो सकता, इनको जितना कहोगे ये उतना ही दिखाएंगे, उससे अच्छा तुम सेंटर प्रेस का जुबान पे लगाम दो। सैल्यूट भैया जी आपको। मतलब जहाँ लड़कियाँ कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए अपना सब कुछ दिखाने को तैयार है, वहाँ आप अपना देसी अंदाज दिखा रहे हैं, हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। क्या सीन है। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं कि कमर कैसे हिलता है, वो लोग देख ले, कमर ऐसे हिलता है, फिर मत कहिएगा कि हम कमर हिलते हुए नहीं देखे हैं। मैडम जी इतना मेहनत से अपने कमरे को सॉरी कमर को हिला रही हैं, देख लो जल्दी। कोई बात नहीं, तुम एक बार ये फिल्टर हटा के अपनी शक्ल उसके शक्ल से मिलाओ, एकदम मैच कर जाएगी, करियट्ठा तू करियट्ठी। अरे वो अजय देवगन का फैन होगा, उसको बोलो कि अक्षय कुमार की मूवी देखे, एकदम सुधर जाएगा। पर्दा में रहने
की जरूरत ही ना है, दो चार कुत्ते बुलवाओ और तुम्हारा जो भी ये पैंट सही सलामत बचा है उसको उसे नोचवाओ और पूरे गांव में नंगे होके घूमो, देखो लोग तुम्हारी कितनी इज्जत करते हैं। वाह वाह। ए बाबू दूरे दूरे हट के रहो, ऐसे ना हमरा से सट के रहो, बहन के गरम में झाड़ दूंगे। हम भी यही चाहते हैं, जहां हम हैं वहां पे गर्मी बहुत है, तो तुम आके झाड़ देती तो थोड़ा हम भी सुकून से जीते। नहीं, पहले तुम डिसाइड कर लो कि तुम लड़की हो कि जनरेटर। अगर तुम जनरेटर हो तो हम भी हैंडल मारना बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत तेज फटफटाता है, मजा भी आता है। हाँ, इनकी जवानी की कहानी इतनी बढ़िया है कि इनको छत के मुरेड़े पे आके बताना पड़ रहा है। भंगुआ में कौनों के साथ कान बंद करके ना न भागी हो कि दौड़ाए सब, तो आके यहाँ छत के मुरेड़े पे बैठी हो। तो गेम बजाना पड़ेगा। हाँ, हम तो नहीं पाएंगे, लेकिन जो गौ वाले दौड़ा रहे हैं पीछे पड़े हैं वो सब छोड़ेंगे भी नहीं, ये कांड में बहुत आगे रहते हैं वो सब। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाल कलर का बटन दबा के घंटा बजा के जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।